जूना अखाड़ा के संत हैं और ये अपने गुरु के खोटसी में जा रहे थे। इनके गुरु का देहांत हो गया था, वहाँ ये जा रहे थे ये संत। लेकिन ये जो महाराष्ट्र सरकार है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए उद्धव ठाकरे की, उतनी कम है वहाँ के पुलिस की। पुलिस प्रशासन के बीच होने के बाद भी उन संतों को लोगों ने निर्मम ढंग से मारा और उनकी हत्या कर दी। तो आज जब संत की हत्या होने लगी है इस देश में, तो इस देश का भविष्य क्या होगा? इस पर तो अभी लॉकडाउन है, नहीं तो जूना अखाड़ा का संत पूरा का पूरा वहाँ महाराष्ट्र सरकार से के का घेराव करता, पूछता कि संतों के लिए तुमने क्या किया। हिंदूवादी कहते हो कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदू रक्षा की बात करता हूँ, दुनिया की बात करता हूँ, हिंदू धर्म की मैं बात करता हूँ, और आज संत तुम्हारे यहाँ मर रहे हैं, तुम उस पर क्या किया अभी तक? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, उन लोगों को जिन लोगों ने उन संतों के निर्मम हत्या की है, उनके कहने के बाद भी कि मैं ऐसे कार्य में जा रहा हूँ फिर भी, और पुलिस के पीछे वो छिप रहे हैं, बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही, तो इसे हम क्या समझेंगे? हमारे धर्म पर दिनों दिन प्रहार, कभी साधुओं पर प्रहार, कभी धर्म पर प्रहार, ये सारी चीज़ें, सनातन धर्म पर प्रहार, ये मनुष्य पर, मने ये ऐसा समझ लो कि ये पूरे सनातन धर्म पर एक प्रहार है, एक कुठाराघात है। और हर सनातनी को उद्धव ठाकरे से ये प्रश्न करना चाहिए कि जो हमारे संत, उन संतों का जो तुम्हारे लिए ही सब कुछ करते हैं, संत अपने लिए तो कुछ करता नहीं, वो तो बराबर कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया। जो संत बराबर ईश्वर का चिंतन करते हुए भी ये कल्पना करता है कि सब लोग सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, वो भोजन करता है और भगवान को भोग लगाता है, तो ये कल्पना करता है कि हे ईश्वर, तुम हमको जो ये प्रसाद दिए रहे हो, ऐसा ही प्रसाद सबको दो। आपको क्या लगता है, आप महाराष्ट्र सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं महाराष्ट्र सरकार से मांग करता हूँ कि महाराष्ट्र सरकार को चाहिए कि उन कातिलों को, जिन लोगों ने संतों की निर्मम हत्या की है, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिस प्रकार से वहाँ पुलिस थी, तो आपको क्या लग रहा है पुलिस के रोल की क्या भूमिका रही होगी? पुलिस की भूमिका संदिग्ध लग रही है। पुलिस इस, जब पुलिस के पीछे हमारे संत जा रहे हैं बचने के लिए, तो पुलिस को बचाना चाहिए। एक मिथ्या सा आरोप चला, ये कहाँ तक आप सही? चोरी, संत थोड़े चोरी करने गया, वो तो जा रहे थे। अभी हमने कहा नहीं कि वो अपने जा रहे थे, जो संत उनके गुरु थे उनका शरीर पूरा हो गया था उसमें जा रहे थे। तो आपका अखाड़ा किस तरह का एक्शन लेगा अगर वो नहीं? अखाड़ा, ये लॉकडाउन है अखाड़ा, इसके लिए अखाड़ा क्या, तुम्हारा जो हिंदू जितने भी संत समाज के लोग हैं, अखाड़ा तो अखाड़ा है, अखाड़ा परिषद जो है वो सबके सब इस कृत्य से नाराज हैं। सबकी एक ही है कि उद्धव सरकार इस पर ठोस कदम उठाए, वरना हम लोग खुद जो है लॉकडाउन होने के बाद कोई ना कोई कदम उठाएंगे।